नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हमारी मौजूदगी है गोरखपुर के सपा कार्यालय में। मौका है 32वां समाजवादी पार्टी का स्थापना दिवस। आज ही के दिन चार अक्टूबर 1992 को समाजवादी पार्टी की स्थापना रखी गई थी और यहीं से एक लंबा सफर शुरू होता है उत्तर प्रदेश, खासतौर से उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ यह अभियान कई राज्यों में गया और कई राज्यों में इसने अपना परचम भी फैलाया। आइए, यहाँ पर आज समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर पूरा समारोह मनाया जा रहा है, हर्षोल्लास के साथ पूरा जश्न मनाया जा रहा है। यहाँ पर हमारे साथ पूर्व विधायक मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। क्या कुछ 32 साल की उपलब्धि रही है, क्या कुछ रही है 32 साल की उपलब्धि? आज स्थापना दिवस है, प्रेस के साथी है। आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के विकास में समाजवादी पार्टी हर वर्ग के लिए काम की हो, चाहे नौजवान हो, चाहे किसान हो, महिलाएं हो, सबके लिए समाजवादी पार्टी ने काम किया। इस देश में ऐसे ऐसे ऐतिहासिक काम हुए जिस पर सुखोई विमान तक उतारे गए एक्सप्रेस हाईवे पर। और आपने गोरखपुर में, हम बाहर तो न जाएं, लेकिन गोरखपुर से चौतरफा चतुर्भुज योजना दी गई, चारों तरफ से गोरखपुर को 4 लेन से जोड़ने का काम किसी ने किया तो समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया। गोरखपुर में एनसेफलाइटिस वार्ड दिया, टेक्निकल विश्वविद्यालय दिया, गोरखपुर में नौजवानों के लिए काम किया, बेरोजगारी भत्ता दिया, और बहुत कुछ ऐसे सारे काम किए जिससे आज भी नेताजी को लोग याद करके आंखें नम हो जाती हैं जब हम लोग किसानों के बीच में जाते हैं। आपने देखा होगा किसान दुर्घटना बीमा, आज किसानों पर जब कोई आफत विपत आती है, कोई एक्सीडेंट होते हैं, तो किसान बरबस ही कहते हैं कि नेताजी चूंकि किसान के बेटा थे इसलिए उनको कमी महसूस थी, इसलिए उसको पूरा करने के लिए किसान बीमा दिया। तो मित्र, आज स्थापना दिवस है, नेताजी ने जो सोच करके पार्टी की नींव रखी थी आज उसको आदरणीय अखिलेश जी पूरा कर रहे हैं। इसलिए आज के अवसर पर हम सब साथियों को, समाजवादी साथियों को, अब पूरे देश और प्रदेश के लोगों को हम बधाई देना चाहते हैं। और साथ ही साथ आप छायाकार साथी हैं जो हम लोगों को बल देते हैं, आपको भी कोट कोट धन्यवाद। आपने गोरखपुर का जिक्र किया, गोरखपुर में एक बहुत महत्वपूर्ण एम्स, कहा जाता है कि एम्स तो बीजेपी गवर्नमेंट के समय में बनी, क्योंकि 2014 का जो इलेक्शन हुआ था पीएम साहब ने यहाँ पर घोषणा की। सवाल है कि उसकी जमीन कहा जाती है कि समाजवादी पार्टी ने दी थी, क्या ये सही है? जब एम्स की स्थापना हुई थी तो देखिए दो चीजें होती हैं, पूरे देश में जितने भी एम्स बनाए गए हैं, प्रदेश सरकार पहले रोड तैयार करती है, जमीन देती है, ट्रांसफार्मर देती है। तो समाजवादी पार्टी ने कहा कि आपको कहाँ चाहिए एम्स के लिए, जहां को हम जमीन देंगे, हमारे नेता ने कहा, आदरणीय अखिलेश यादव ने कहा, और सदन में यहाँ के दुग्ध विकास मंत्री थे आदरणीय राममूर्ति वर्मा जी, हम लोग के सामने सदन में जमीन का लेखा जोखा प्रस्तुत किए और समाजवादी पार्टी ने एम्स के लिए जमीन दिया, 4 लेन की सड़क दिया और पावर हाउस दिया। समाजवादी पार्टी आगे बढ़कर के काम की। आज हम क्या कहें, एम्स के साथ तो विश्वासघात किया गया, एम्स के साथ जो चीजें होनी चाहिए थी, आज एम्स को जो डॉक्टर मिलने चाहिए थे वो नहीं मिल पाया, लेकिन समाजवादी को जो देना चाहिए था, जो नींव रखनी चाहिए थी, वो समाजवादी ने अपने पूरे हक का पूरा हिस्सा दिया। हम आदरणीय अखिलेश यादव जी को इस आपके माध्यम से बधाई और धन्यवाद देना चाहते हैं कि जो उन्होंने एम्स के लिए काम किया। अगर लखनऊ की बात करें तो शायद यूपी के अंदर पहला मेट्रो ये समाजवादी की देन है। यूपी के अंदर पहला मेट्रो, इस देश में इंटरनेशनल सड़क पहली बार आदरणीय अखिलेश यादव ने दिया, और इकाना स्टेडियम जो उत्तर प्रदेश में, आप तो जान ही सकते हैं कि इंटरनेशनल स्टेडियम इस प्रकार के कहीं नहीं थे कि जो जरूरत पड़ने पर हम लोग भी मैच देख सकें। आज उन सब चीजों का आनंद अगर उठा पा रहे हैं हम लोग, तो आदरणीय अखिलेश यादव के नाते उठा रहे हैं। आपने देखा होगा मेदांता के लिए भी उन्होंने जमीन दिया और नींव रखवाई, लुल्लू मार के लिए भी उन्होंने जमीन देखा दिया और नींव रखवाई। बहुत ऐसे सारे काम है जिन कामों की हम लोग गिनती करेंगे तो नहीं हो पाएंगे, जो समाजवादी पार्टी की सरकार में किए गए और दिए गए। 2017 की अगर बात करते हैं तो 2017 में हमारी सरकार थी,
12 से 17 तक उसके बाद सरकार नहीं रही, उसके बाद बीजेपी की सरकार रही। अब 32 साल हो चुके हैं, 31 साल हो चुके हैं, कंप्लीट 32वें वर्ष में हम पहुंचे हैं। क्या रोड मैप है, क्या रणनीति है 2027 के चुनाव में? क्या हम फिर से वापस आएंगे? जबकि इतना विकास आप गिना रहे हैं, समाजवादी के वक्त में इतना विकास हुआ, इतना डेवलपमेंट का काम हुआ, सिर्फ लखनऊ की बात नहीं कर रहे, पूरे प्रदेश में हुआ, तो क्या आने वाले समय में कमबैक हो रहा है? मित्र, जनता आज महसूस कर रही है आदरणीय अखिलेश यादव की कमी को, जनता महसूस कर रही है। इसीलिए जनता ने 2024 के चुनाव में बहुत बड़ा जनादेश दिया। जो लोग कह रहे थे कि हम 400 पार करेंगे, अगर जो बेईमानी पर उतारू न होते और उन्होंने कायदे से काउंटिंग करवाई होती, हम जानते हैं कि 10 की दहाई नहीं पूरा कर पाए होते। उत्तर प्रदेश से इतना बड़ा जनादेश आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में अब की बार जो मिला है, और उत्तर प्रदेश की देन है कि हमारी पार्टी इस देश में तीसरी बड़ी पार्टी है लोकसभा में। आप समझ सकते हैं कि आने वाले दिन में हम ये जानते हैं कि हम लोग इस उत्तर प्रदेश में 300 से पार जाएंगे। और जो समाजवादियों का काम है आज बोल रहा है, जिसके बल पर जनता ने 24 में जनादेश दिया था। आप महानगर अध्यक्ष हैं, 32 साल में क्या कुछ बदलता हुआ देख रहे हैं? लोहिया, जनेश्वर, उनके समाजवाद और आज के समाजवाद में क्या डिफरेंस आपको नजर आता है? आप पत्रकार साथियों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2012 से लेकर 2017 तक अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, और आप 2012 से लेकर 2017 का आकलन कर लीजिए और 2017 के बाद का अभी का आकलन कर दीजिए। आप सोचिए कि जिस शहर के नेता आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आज उन्होंने अपने गोरखपुर में 2017 के बाद से कौन सा विकास का काम किया है? गोरखपुर में एक भी विकास का काम उनके द्वारा नहीं हुआ है। जगह जगह गड्ढा करके छोड़ दिया गया है। गोरखपुर में रामगढ़ताल सुंदरीकरण की परियोजना समाजवादी पार्टी की सरकार में अखिलेश यादव जी ने लाया था। बहुजन समाज पार्टी की सरकार में चिड़ियाघर का जो है नींव रखी गई थी, उसका पूरा का पूरा काम समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ था। कमरिया घाट का पुल से लेकर धर्मशाले का और पुल नकहा और ब्रिज और तमाम ऐसे विकास के कार्य गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में 500 बेड का एंसेफलाइटिस का वार्ड, कैंसर का वार्ड और 1000 बेड का वार्ड, ये सब समाजवादी पार्टी की सरकार में अखिलेश यादव जी ने किया था। अखिलेश यादव जी गोरखपुर के तो रहने वाले नहीं थे, मगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो गोरखपुर से 5 बार से लगातार सांसद हुए। उन्होंने क्या विकास किया आप बताइए? 32 साल में समाजवादी पार्टी आज की डेट में जब जब सत्ता में आई है, तो समाजवादी पार्टी ने 55 लाख लड़कियों को, नौजवानों को लैपटॉप बांटने का काम किया, बेरोजगारी भत्ता देने का काम किया, कन्या विद्याधन देने का काम किया, विधवा पेंशन देने का काम किया। ऐसी सैकड़ों योजनाएं हैं जो समाजवादी पार्टी की सरकार में हुई है। आप बताइए, जिस उत्तर प्रदेश के सड़कों पर ठीक से 4 पहिया 2 पहिया गाड़ी नहीं चल पाती थी, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने वहां सुखोई जैसा विमान चलाकर दिखाने का काम किया है। इसलिए अखिलेश यादव विजनरी लीडर है, अखिलेश यादव दूरंदेशी नेता है, अखिलेश यादव पढ़े लिखे नेता है। इसलिए अखिलेश यादव जानते हैं कि विकास कैसे होता है। आज आप गोरखपुर में विकास बता दीजिए, एक बार बारिश होती है पूरा शहर पानी से डूब जाता है, बिजली कटौती की बहुत जर्जर व्यवस्था है गोरखपुर में। आप बताइए, गोरखपुर के महानगर वासियों के ऊपर हाउस टैक्स और ग्रह टैक्स के नाम पर बेतहाशा जबरन वसूली की जा रही है। क्या यही राम राज्य है? क्या यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है? हम आदरणीय नेताजी को आज स्थापना दिवस के अवसर पर दिल की गहराइयों से उनको धन्यवाद देना चाहते हैं, उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आज समाजवादी पार्टी की देन है जो उत्तर प्रदेश में पिछड़े, दलित, बेरोजगार, नौजवान, किसानों के बेटे, नौजवान के बेटे, बेरोजगार लोग, किसानों, मजदूरों, सबके घरों के लोग आज राजनीति में एमपी बन के कोई जा रहा है, एमएलए बन के कोई जा रहा है, कोई पार्षद बनना है। हम ही को देख लीजिए, मेरे जैसा कार्यकर्ता जिसके पास चलने के लिए ठीक से गाड़ी ना हो, चलने के लिए कोई व्यवस्था ना हो, हमारे संघर्षों को देखकर समाजवादी पार्टी ने मुझे गोरखपुर का अध्यक्ष बनाया है। हिंदुस्तान के अंदर कोई ऐसा राजनीतिक दल नहीं है जो अपने इस ऐसे छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को सत्ता के शिखर पर पहुंचाने का काम करता है। बाई इलेक्शन में 10 सीटें,
कितनी जीत रहे हैं? समाजवादी पार्टी बाई इलेक्शन में दसों की दसों सीट जीतने जा रही है। मैं आपको बता रहा हूं, जब बाई इलेक्शन होगा तो पूरे उत्तर प्रदेश का मिजाज बहुत तेजी से बदलने वाला है। समाजवादी पार्टी दसों की दसों सीट जीतकर पूरे देश के अंदर इतिहास रचने जा रही है। मगर अगर गोरखपुर की बात करें तो आज इतना बड़ा फंक्शन था, आपके जिला कार्यकारिणी नहीं दिख रही। देखिए, समाजवादी पार्टी के लोग गोरखपुर में कल भी एक थे और आज भी एक है। राजनीति में मैसेज तो जा रहा है कि इंडेक्स में एक्टिविटी देखी जाती है। पार्टी के लोग कल भी एक थे, आज भी एक थे। राजनीति में हर आदमी एक्टिविटी के आधार पर अपने नाम और पहचान को आगे बढ़ाता है। आज हमारे पार्टी के बड़े नेता रहे हैं स्वर्गीय भालचंद यादव जी की वो पुण्यतिथि थी। पार्टी के तमाम बड़े लीडर वहां भी गए थे। ऐसे महानगर अध्यक्ष होने की हैसियत के नाते, चूंकि शहर में अध्यक्ष होता है, तो इसलिए शहर के लोगों को इकट्ठा करके, पार्टी के सीनियर लीडरों को इकट्ठा करके आज हम लोगों ने 32वां स्थापना दिवस मनाने का काम किया। पार्टी पूरी तरह से कल भी एक थी और आज भी पार्टी गोरखपुर में एक है। और 2027 में हम लोगों की एकता गोरखपुर में बड़े पैमाने पर सीट जिताने जा रही है। तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी के नेताओं की अगर बात हम मानते हैं तो आज 32वां स्थापना दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। यहाँ पर केक काटा गया और नेताजी को याद किया गया, उनकी जो अब तक उपलब्धि थी उस पर विचार किया गया, उसको याद किया गया। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद थे पूर्व विधायक विजय बहादुर जी, यहाँ पर हमारे साथ मौजूद थे महानगर अध्यक्ष शब्बीर कुरैशी जी, उन्होंने अपनी बेवाकी से बातें रखी। 2027 का रोड मैप बताया कि प्रचंड बहुमत से हमारी सरकार वापस आने जा रही है, यानी समाजवादी की सरकार वापस आने जा रही है और आदरणीय अखिलेश यादव फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। बाई इलेक्शन के बारे में बात हुई, बाई इलेक्शन के बारे में इनका कहना है कि 10 की 10 सीटों पर ये जीत रहे हैं। सवाल फिर वही आकर के बढ़ता है कि इतना बड़ा स्थापना दिवस और यहाँ पर जिला कार्यकारिणी के लोग मौजूद नहीं है, ये एक सवालिया निशान है। क्या गोरखपुर के अंदर समाजवादी पार्टी एकजुट है? मैं मोहम्मद यूसुफ गोरखपुर से, एनडीए के लिए।